के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसके बाद जनाब फातिमे साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद फिर ये आरजेडी वालों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो ये मैं दोनों को कायर समझता हूँ, फातिमे साहब को भी आरजेडी वालों को भी, क्योंकि दोनों ने गद्दारी की बात की, दोनों ने गद्दारी की बात की, दोनों ने धोखा की बात किया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। आप लोग बार बार पूछते रहे लेकिन नाम नहीं लिया। अरे जब तुम मालूम है कि किसी ने धोखा दिया है, किसी ने गद्दारी किया है, तो नाम बोलो। तो आपकी ये कायरता का परिचायक है, ये कायरता का आपके द्योतक है, ये आपकी कायरता की पहचान है। अब जहां तक फातिमे साहब की बात है, फातिमे साहब कहते हैं कि गद्दारी किया लोगों ने, उनके साथ उनके बाप उनके बेटा के साथ भी गद्दारी किया, उनके साथ भी गद्दारी किया और अभी गद्दारी किया। मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने चोर होते हैं उनको सारे चोर नजर आते हैं, कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, गद्दारों को सारे नजर आते हैं गद्दार, धोखेबाजों को सारे नजर आते हैं धोखेबाज, तो कलाकारों को सारे नजर आते हैं कलाकार। जनाब फातिमे साहब का अगर राजनीतिक सफर जानिएगा, जो मैंने आपको लिख के भी दिया है, ये पहली बार अलीगढ़ में चुनाव लड़े थे, अलीगढ़ इसका यूनियन का, छात्र यूनियन का। उस समय कमर आलम जो इनसे सीनियर हो गए थे, जिन्होंने इनको पॉलिटिक्स सिखाया, उनके साथ ये पैनल बनाए थे, बिहार पैनल। लेकिन रातों रात इन्होंने धोखा देके कमर आलम साहब को, कमर आलम साहब के साथ गद्दारी करके यूपी पैनल के इरफानुल्लाह खान के साथ मिलकर के ये चुनाव जीत गए और कमर आलम को हरवा दिया, धोखा दिया, जो कमर आलम साहब इनका एडमिशन कराया था अलीगढ़। फिर ये विदेश गए, 89 में लौके, सिद्दीकी साहब से जुड़ गए। लेकिन 1991 के पार्लियामेंट के चुनाव में सिद्दीकी साहब एकमात्र लालू यादव के उम्मीदवार थे, लेकिन ये सरद यादव जी से मिलकर के, ये इमाम बुखारी साहब से मिलकर के, इन्होंने एक साथ सिद्दीकी साहब का टिकट कटवा दिया, लालू जी और सिद्दीकी साहब के साथ गद्दारी किया। वर्ष 1997 में जब पार्टी टूट रही थी, तो इनको नियमानुसार, जो एक इंसान का यह है कि जो हमारे साथ एहसान करे उसके साथ रहना चाहिए, तो 1997 में जब पार्टी टूट रही थी, तो ये सरद जी के साथ नहीं रह करके ये लालू जी के साथ रहे। सरद यादव को इन्होंने धोखा देने का काम किया, सरद जी के साथ गद्दारी किया, बाद के दिनों में ये बुखारी साहब के साथ भी धोखा दिए और उनसे भी अलग हो गए। फिर आइए 95 में चुनाव हुआ, कफील अहमद कैफी, कामेश्वर पूर्वे, जगदीश चौधरी विधायक थे, इनका इन्होंने टिकट कटवा दिया, जबकि उन तीनों ने इनको चुनाव में जितवाया था, इनको दरभंगा में जानता कौन था, फातिमी नाम पर कोई कहता था कि ये मर्द है कि औरत है, ये भी मुश्किल हो रहा था उस समय, इनको कोई राजनीतिक दरभंगा में योगदान नहीं था। फिर चलिए आगे बढ़िए, 95 में ही इन्होंने ललित यादव को मणिगाछी से हराने का प्रयास किया और मदन मोहन झा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका इन्होंने खुल्लम खुल्ला समर्थन किया, को इन्होंने जिताने का काम किया, ये गद्दारी नहीं हुई। ये आरजेडी में रहे तो गद्दारी किया, जदयू में है तो गद्दारी कर रहे हैं, यूपीए में रहे तो गद्दारी किए, एनडीए में रहे तो गद्दारी कर रहे हैं, और अभी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव की बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने गद्दारी किया, ये जो उम्मीदवार थी सीता देवी, ये कभी भी एनडीए की उम्मीदवार नहीं थी, कोई भी उम्मीदवार घोषित करता है उसका जिलाध्यक्ष, तो जदयू के जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष, जदयू के सारे एमएलए, भाजपा के सारे एमएलए, भाजपा के दो सांसद, किसी भी समय देखा कि उन्होंने कहा कि सीता देवी हमारे एनडीए के उम्मीदवार है, तो जब वो एनडीए के उम्मीदवार नहीं थी तो उसके साथ गद्दारी क्या हुआ, एनडीए ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया, तो फ्री फॉर ऑल था, जिसको जहां मनाया वोट किया। ये गुमराह करने वाली बात हो, बिल्कुल गुमराह करते हैं फातिमे साहब, फातिमे साहब खुद गद्दार है, फातिमे साहब खुद धोखेबाज है, फातिमे साहब खुद ब्लैकमेलर है, उन्होंने लालू जी के साथ ब्लैकमेल किया, शहाबुद्दीन साहब का साथ लेकर के वर्ष 2004 में उन्होंने टिकट लिया, शहाबुद्दीन साहब को भी छोड़ दिया और लालू जी को भी छोड़ दिया, इनका इतिहास है, इनका कैरेक्टर है धोखेबाजी। अब नीतीश जी को भी गद्दारी करेंगे, करेंगे जब अगर इनका यहाँ कुछ नहीं मिलेगा जिसके लिए वो आए हैं, कोई सिद्धांत रसूल के लिए आए हैं, जब इनका टिकट आरजेडी में कट गया तो यहाँ आए हैं कुछ संभावना तलाशने के लिए, लेकिन यहाँ जो एक स्कॉर्पियो, जो एक बिच्छू होता है, उसका स्वभाव होता है काटने का, वही स्वभाव के लिए है। यहाँ भी ये जदयू के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी एमएलए हैं, उसको किनारा करने का काम कर रहे हैं। आप सर्वे कर सकते हैं, जदयू के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं, वो सबको ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये अपना यहाँ चलाना चाहते हैं, आरजेडी में तो चला लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि एनडीए में जदयू में नहीं चलेगा। और गद्दारी की बात कर रहे हैं, खुद गद्दार है, सबसे बड़े गद्दार है, इनका इतिहास है अलीगढ़ से लेकर के अब तक। आप क्या ये कहना चाहते हैं, फातिमे साहब को एमपी का टिकट आने वाले लोकसभा में नहीं मिलेगा तो यहाँ भी गद्दारी करेंगे? बिल्कुल, एमपी का टिकट ना मिले, एमपी का टिकट तो सर संभव ही नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी यहाँ से सीटित भाजपा के हैं, मधुबनी में सीटित भाजपा के हैं, जब तक एनडीए है तब तक इनको सपना भी नहीं देखना चाहिए।
और हो सकता है कि दूसरा कोई गम काल रहे हो राज्यसभा का एमएलसी का, वो तो चेयरमैन बनने को भी तैयार हो जाएंगे कि हमको चेयरमैन, ये बेकार फातमी साहब नहीं रह सकते। अगर बेकार रहना चाहते तो ये आरजेडी में रहते संघर्ष करते, लेकिन जब देखे कि आरजेडी सत्ता में नहीं है और हम एमपी भी नहीं है तो जदयू में चले आए मलाई खाने के लिए। तो ये गद्दारी आपको सीएम के साथ भी करेंगे? करेंगे, निश्चित करेंगे। किसके साथ करेंगे? फातमे साहब नीतीश बाबू के साथ करेंगे। क्या एनडीए के साथ गद्दारी करेंगे? कभी भी ये जा सकते हैं, जैसे लालू जी को छोड़ करके, जिस लालू जी ने इनको एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, इनके बेटा को एमएलए बनाया, जब उनके ये नहीं हुए तो नीतीश जी के कहां से होंगे? ये बात नीतीश समझ में नहीं आ रही थी। मैं गद्दारी की है इसलिए वो टारगेट हुए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अता करीम। क्या है जदयू के? मैं अभी जदयू की बात नहीं, मैं जदयू का प्रदेश उपाध्यक्ष था, ठीक है, और प्रवक्ता था, और मैं प्रदेश बिहार प्रदेश का बिहार राज्य खाद आयोग का उपाध्यक्ष था। अभी मैं बिल्कुल विश्राम में हूं, लेकिन मैं मजबूर होकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। किसी पार्टी से कोई अभी नहीं? अभी मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं करता हूं, इसीलिए मैंने मतलब किसी को भी मैंने ये नहीं कि आरजेडी के पक्ष में और उनके विपक्ष में मैं बोला हूं, किसी का नहीं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।